जय हिंद वंदे मातरम। आप सभी मित्रों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल टारगेट स्टडी में। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं सामान्य ज्ञान जीके से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, विश्व का सबसे ऊँचा पशु किस जानवर को कहा जाता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं गोरिल्ला, जिराफ, हाथी, शुतुरमुर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी जिराफ। जो विश्व का सबसे ऊंचा पशु है वो है जिराफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? ऑप्शन दिया गया है 5000, 4000, 4500 और 7000। तो इसका राइट आंसर ए सही हो जाएगा, 5000। अगला क्वेश्चन है, संसार की सबसे महंगी वस्तु क्या है? तो दिया गया है थोरियम, यूरेनियम, सोना, चांदी। तो संसार की सबसे महंगी वस्तु है वो है यूरेनियम और भारत में सबसे महंगी वस्तु है वो है थोरियम, जो कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस देश का कानून सबसे कठोर कानून माना जाता है? अमेरिका, सऊदी अरब, भारत, चीन। कौन सा ऐसा देश है जिसका कानून सबसे कठोर है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है? तो वो पता करना है कौन सा नहीं है। दिया गया है इंद्रावती, काजीरंगा, गुरु घासीघाट, कांगेर घाटी। तो इसमें से जो गलत ऑप्शन है वो है काजीरंगा, ये छत्तीसगढ़ में नहीं पड़ता और बाकी बात ये तीनों छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आते हैं। ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम का राष्ट्रीय उद्यान है, ये एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया? तो ऑप्शन दिए गए मोहम्मद गौरी और भीम के बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच, मोहम्मद गौरी और राजा जयसिंह के बीच, मोहम्मद गौरी और अजय पाल के बीच। तो इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। अगला क्वेश्चन है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया तो किसने किया? ऑप्शन दिए गए मुशर्रफ कुली खां, सआदत खां, सरफराज खां या अन्य कोई दूसरा। तो इसका राइट आंसर ए सही हो जाएगा, मुर्शिद कुली खां ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन दिया गया है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू या सी राजगोपालाचारी। तो इसका राइट आंसर ए सही हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन दिया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, जी वी मावलंकर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश के लोग अधिक परिश्रमी माने जाते हैं? अमेरिका, सऊदी अरब, भारत, जापान। तो इसका राइट आंसर डी सही हो जाएगा, जापान के लोग सबसे अधिक परिश्रमी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके को मनाया जाता है तो दिया गया है 13 मार्च, 23 मार्च, 31 मार्च और 3 मार्च। तो इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा, 23 मार्च। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो ऑप्शन दिए गए हैं 6, 9, 5, 4। तो इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा, 5। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो ऑप्शन दिया गया है 9, 7, 8, 6। तो इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा, 8। अगला क्वेश्चन है, टीवी दिवस विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन दिया गया है 14 मार्च, 18 मार्च, 22 मार्च और 24 मार्च। तो जो इसका राइट आंसर है वो डी सही हो जाएगा, 24 मार्च को विश्व टीवी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? तो ऑप्शन दिए गए हैं पेरिस विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय या असम विश्वविद्यालय? तो इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन, इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन दिए गए हैं 15 अगस्त 1959, 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969 और 15 अक्टूबर 1959। तो इसका राइट आंसर क्या सही हो जाएगा भाई, सी 15 अगस्त 1969। अगला क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? मालुकदास, मूल शंकर, नरेंद्र या दादू? तो इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा, मूल शंकर। अगला क्वेश्चन है, हमारे जीवन का मूल आधार क्या है? जल, वायु, भोजन या पर्यावरण? तो हमारे जीवन का मूल आधार पर्यावरण है, क्योंकि पर्यावरण है तो भोजन, जल और वायु सब कुछ संभव है। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन दिया गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा तेलुगु भाषा का प्रयोग कहाँ पर होता है या प्रचलन कहाँ होता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब। तो इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हॉकी के खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 12, 11, 9 या 15? तो इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा, 11। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी अधिक पाई जाती है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, जरोड़ मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी और लाल मिट्टी। तो इसका राइट आंसर क्या सही हो जाएगा, काली मिट्टी। राइट आंसर बी सही हो जाएगा, काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कन्नड़ बोली बोली जाती है? तो ऑप्शन दिए गए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर डी सही हो जाएगा, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे बड़ा व्रत किसे कहते हैं या किस दिन सबसे बड़ा व्रत बनता है? तो ऑप्शन दिया गया है, भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर। तो इसका राइट आंसर क्या सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए सही हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर। जो पृथ्वी का सबसे बड़ा दिन होता है वो भूमध्य रेखा पर सबसे बड़ा व्रत बनता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस नेता ने भारत में गणेश चतुर्थी पर्व को पुनः शुरुआत करके इसे लोकप्रिय बनाया? ऑप्शन दिया गया है, भीमराव अंबेडकर, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या बिपिन चंद्र पाल। तो इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन, किस शहर का नाम बदलकर गुरुग्राम रखा गया? तो ऑप्शन ए है, गुड़गांव, गंगानगर, गुवाहाटी या गंगटोर। तो इसका राइट आंसर ए सही हो जाएगा, गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम रखा गया। अगला क्वेश्चन है, किस देश में 5 सूर्य निकलते हैं जो आंखों से देखे जा सकते हैं? ऑप्शन दिया गया है, चीन, अमेरिका, रूस और भारत। तो इसका राइट आंसर ए सही हो जाएगा, चीन। ये चीन में सर्दियों के दिनों में यहाँ पर 5 सूर्य दिखाई देते हैं, 4-5 सूर्य दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य की राजधानी तवी नदी की तट पर स्थित है? तो ऑप्शन दिए गए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर डी सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर तवी नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शतरंज के एक टुकड़ा का नहीं है, यानी कौन सा शतरंज इसमें से, ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा शतरंज में उपयोग नहीं किया जाता? तो इसका राइट आंसर डी सही हो जाएगा, कछुए का इसमें कोई प्रयोग नहीं होता है। लास्ट, आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है हमारा,
निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप सौंदर्य के लिए संस्कृति शब्द से इसका नाम मिलता है? तो दिया गया है घुमारे, लवानी, कथक और सावित्रा सत्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या सही हो जाएगा? वी, लवानी। तो ये थे आज के हमारे टॉप 30 क्वेश्चन। यदि आपको अच्छे लगे हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।